एक कहावत है, क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे, नकली चेहरा सामने आए असली सूरत छुपी रहे। लेकिन अब असली सूरत मोदी जी का देश के सामने आ गया है, उसका मैं कुछ आपको उदाहरण दे रहा हूं मोदी जी के असली चेहरे का। पहले क्या देश की जनता को ये संबोधित करते थे और आज देश के अंदर क्या हो रहा है, इससे आपको स्पष्ट पता चल जाएगा। मैं एक वीडियो मोदी जी का भाषण आप लोग को दिखा रहा हूं। मैं ऐसी गलती नहीं कर सकता हूं क्योंकि क्योंकि मनरेगा आपका जीता जागता है। आजादी के साथ आपको लोगों को गठबंधन के लिए भेजना पड़ा, ये आपकी विफलताओं का स्मारक है और मैं गाजे बाजे के साथ इस स्मारक का ढोल पीटता रहूंगा। तो मोदी जी ने कहा कि आपकी सरकार का विफलताओं का गाजे बाजे के साथ ढोल पीट मनरेगा का, क्योंकि आपने को गड्ढे में मजबूर किया है। अरे भाई, कांग्रेस की सरकार ने तो कम से कम लोगों को रोजगार देने के लिए गड्ढा तो खुदवाया। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपकी सरकार ने तो लोगों का रोजगार ही खत्म कर दिया। और जिस हवाई जहाज पे आप देश की जनता को जो बोलते थे कि आप जो चप्पल पहन के, हवाई चप्पल पहन के सफर करते हैं, हवाई जहाज के अंदर देखना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी। तो आप हवाई जहाज तो छोड़िए, लोगों को पैदल चलने के लिए भी आपने आफत कर, लोग अपने राज्यों में नहीं जा सकते हैं, एक राज्य से दूसरे राज्यों में नहीं जा सकते हैं, ऐसा माहौल आपने इस देश के अंदर पैदा कर दिया है कि लोग को विदेशी बना के धर दिया है माननीय प्रधानमंत्री जी। थोड़ा सा आप याद करिए अपने भाषणों को। और मैं एक वीडियो और आप लोग को आज दिखा रहा हूं, इस वीडियो को जरा आप लोग गौर से देखें। एक वीडियो मैं आप लोग को दिखा रहा हूं। देश में रेलवे की तरफ ध्यान नहीं दिया गया है, बुलेट ट्रेन से कम से कम चार दिशाओं में जाने का काम हम खड़ा करते हैं। आप देखिए, दुनिया नए सिरे से हिंदुस्तान को देखने लगेगी। आपने देखा, बुलेट ट्रेन की बात कर रहे हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, लेकिन आज देश की यह हालत है कि वो अपने देश में अपनी ट्रेन नहीं चला सकते हैं। आज देश के नागरिक को ट्रेन के लिए भी आफत कर दिया है। और ये जो आज 1,40,000 कोरोना वायरस के मरीज फैले हैं या बढ़े हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार इस देश का प्रधानमंत्री है। क्योंकि जिस टाइम में लॉकडाउन हुआ था, उस समय के अंदर सिर्फ 200 कुछ मरीज थे। अगर प्रधानमंत्री जी चाहते तो एक हफ्ते के लिए रेलगाड़ी को चालू करके एक एक व्यक्ति को घर भेजते, आज 1,40,000 मरीज नहीं होते, कुछ हजारों में सिमट के ये बात खत्म हो जाती। लेकिन अभी योगी आदित्यनाथ का एक बयान आया है, कितना शर्मसार करने वाला ये बयान है कि 75% कोरोना वायरस के मरीज मजदूर है आज के टाइम में। यानी कि इस देश के अंदर बीमारी यदि कोई फैला रहा है तो इस देश का गरीब मजदूर किसान फैला रहा है। ये योगी आदित्यनाथ का बयान है, शर्मसार करने वाला बयान है। अपनी नाकामी को छुपाने के लिए ये लोग हर चीज गरीब मजदूर किसानों के ऊपर थोप देते हैं। ऐसी घटिया हमारे देश में सरकार चुनी है हमने। आज तो कम से कम
ये देश की जनता को मानना पड़ेगा कि नरेंद्र मोदी ने जो कहा वो ठीक उसका विपरीत करता है। ऐसा तो हिटलर ने भी नहीं किया होगा कि गरीब मजदूरों को पैदल चला चला के मारा होगा, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये हिटलर की सरकार, ये तानाशाही की सरकार, ऐसा तानाशाही हिटलर ने भी नहीं दिखाया होगा जो भारतीय जनता पार्टी ने इस देश के अंदर हिटलर शाही और तानाशाही की सत्ता। इस तरीके का सरकार किसी ने भी देश में या पूरी दुनिया में किसी एक से एक तानाशाह पैदा हुए हैं दुनिया के अंदर, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी से बड़ा तानाशाह, अमित शाह से बड़ा तानाशाह, योगी आदित्यनाथ से बड़ा ढोंगी मुख्यमंत्री अभी तक संसार में पैदा नहीं हुआ। यह साधु संत के नाम पे कलंक मुख्यमंत्री है और साधु संत है तो इसे सत्ता से क्या लेना देना, ये जाए और तपस्या करे जंगलों के अंदर। किसको मूर्ख बनाने का काम कर रहा है योगी आदित्यनाथ? तू एक सत्ता का लोभी व्यक्ति है, झूठा है तेरा ये भगवा वस्त्र, पाखंड है तेरा ये ढोंग। एक ढोंगी मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, तू हिंदू समाज के नाम पे कलंक है। हिंदुओं को आज जो गरीब मजदूर बॉर्डर के ऊपर भूख से मर रहे हैं वो हिंदू नहीं है। कहां छुप गए वो हिंदू के ठेकेदार, कहां चला हिंदू संगठन? एक मुख से लफ्ज नहीं निकल रहा है। इन क्या कहूं, शरम आती है, कौन सी गाली भी दूं कैसी दूं। ऐसे मानवता के नाम पे ये कलंक संगठन सब बने हुए हैं भारत के अंदर, जो कुछ जाति विशेष के लिए सिर्फ ये काम करते हैं। ये जाति विशेष के लिए सिर्फ कुछ काम कर रहे हैं इस देश के अंदर, और ये देश की जनता को, गरीब मजदूर को गुलाम बनाना चाहते हैं, गुलाम। यही मास्टर प्लान है अमित शाह का और योगी आदित्यनाथ का और देश के प्रधानमंत्री का। इस देश के गरीब मजदूर किसानों को गुलाम बनाना चाहते हैं ये देश के, इनके गुलाम बन के जीवित रखना चाहते हैं ये देश की जनता को। ये कड़वी सच्चाई बता रहा हूं आपसे, ये कड़वी सच्चाई है। वरना आज गरीब मजदूर ये भूख प्यास से तड़प नहीं रहे होते। आज कुछ स्पेशल ट्रेनें चल रही हैं तो उनको रूट क्लियर नहीं मिलता है। अरे पहले तो समझ में आता था कि बहुत सारी गाड़ियां चलती हैं तो रोड क्लियर नहीं है, लेकिन आज जो ट्रेन 24 घंटे में 20 घंटे में पहुंचनी चाहिए वो तीन तीन दिन में पहुंच रही है। इसका मतलब है नरेंद्र मोदी की साजिश है, योगी आदित्यनाथ की साजिश है, अमित शाह की साजिश है कि बिहार के, उत्तर प्रदेश के, झारखंड के, उड़ीसा के, आसाम के इन जान से भूखे मारने की एक बहुत बड़ी षड्यंत्र अंदर। इसीलिए रेलगाड़ियों को लाइन क्लियर नहीं दिया जाता है, उसके अंदर कोई पानी की व्यवस्था नहीं, उसके अंदर कोई खाने की व्यवस्था नहीं, जानबूझ के ये हमारे देश के अंदर किया जा रहा है। ये कड़वी सच्चाई है। वरना बॉर्डर के ऊपर लाखों के हिसाब से आदमी भूख प्यास से बैठे हुए हैं और ये सरकारों की नींद नहीं जागती। ये मनुष्य कहलाने के योग नहीं है। मनुष्य के भेष में ये दानव छुपे हुए व्यक्ति हैं, दानव है। बहुत ही घटिया मानसिकता के हमारे देश को जनप्रतिनिधि मिला है, मुख्यमंत्री के रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में, और एक हिटलर क्या कहते हैं अमित शाह के रूप में। अरे कुछ शर्म लिहाज, अगर तनिक भी शरीर के अंदर कुछ शर्म लिहाज कुछ बाकी है, या अगर इंसानियत तनिक भी बाकी है, तो सभी गरीब मजदूर की हेल्प करो, उनको उनके घर तक पहुंचाओ। कोरोना वायरस से कितने मरे और भूख प्यास से कितने मरे, एक आंकड़ा जरा ये भी उठा के देख लो। आखिर क्या कारण है कि बसों का एक्सीडेंट हो रहा है, ट्रकों का एक्सीडेंट हो रहा है और उसमें सिर्फ और सिर्फ मजदूर मारे जा रहे हैं? क्या कारण है?
ये जवाब देना होगा माननीय प्रधानमंत्री जी। और आप ही ने कहा है कि एक एक प्रश्न का जवाब पूछने का अधिकार इस देश की एक एक नागरिक को है। तो मैं धनेश्वर महतो भारतीय मित्र पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते आपसे ये पूछता हूं और ये पूरे देश की जनता का सवाल है कि आखिर गरीब मजदूरों के साथ इतना बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र क्यों खेल रहे हो, क्यों भूख प्यास से गरीब आदमियों को मार रहे हो, और ये 20 लाख करोड़ रुपया किस किस को कितने कितने रुपए कितना खाते में दिया, इसकी जानकारी देश की जनता को चाहिए। मोदी जी, देश की जनता को ये जवाब चाहिए और ये जवाब आपको देना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारतीय मित्र पार्टी। सीताराम, मां भगवती, मां जगदम्बा, इन क्या कहूं, ये इंसान के रूप में जो दानव छुपे हैं, कम से कम माता इन दानवों को इंसान बनाने का काम करो। हे मां भगवती, हे मां जगदम्बा, हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं कि इन दानवों को इंसान बनाओ। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।